हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में बच्चों अपने चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में बच्चों, एज यू नो, हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड बच्चों कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आप सभी को अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे दोनों के दोनों चैप्टर। बच्चों इजी चैप्टर था चैप्टर सेकेंड, और आपको कुछ उसमें 12th क्लास वाला कंसेप्ट मिला होगा, कुछ नया कंसेप्ट मिला होगा। अब बच्चों धीरे धीरे कंसेप्ट क्या होते जाएंगे आपके लिए, नए नए आते जाएंगे कंसेप्ट। इजी है बच्चों, आप अगर एक बार कंसेप्ट समझ लेते हो उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आपको सिर्फ निकालने हैं, बाकी अलग से इसके अंदर और कुछ नहीं है। समझे बात को? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर थर्ड है बच्चों। आई होप सो आप सभी के पास बुक होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। बच्चों एज यू नो ये पेपर सेकेंड है बच्चों। पेपर सेकेंड आपके तीन एग्जाम होते हैं बच्चों, उसमें से सेकेंड एग्जाम है वो कैलकुलस का है। इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई दो बुक है आपके पास। उसमें से जो फर्स्ट बुक है वो अपने कर रहे हैं, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका चैप्टर थर्ड है बच्चों ये हमारे पास। तो देखिएगा बच्चों क्या कह रहे हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड के अंदर बच्चों हमारे पास कंसेप्ट है जो थर्ड ए एक्सरसाइज है बच्चों। थर्ड ए जो एक्सरसाइज है बच्चों उसके अंदर जो कंसेप्ट है और पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। क्या होता है बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर है। ऑर्डर आपको पता है क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है बच्चों? जितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया वो बच्चों उसका क्या ऑर्डर है, उसका क्या बच्चों ऑर्डर, कोटि बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं बच्चों? कोटि। और उच्च घात, घात यानी हायर डिग्री, डिग्री जो मर्जी हो सकती है बच्चों। देखो सबसे पहले अपने ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर या बच्चों कोटि क्या होती है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है डीई है, उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स आपको दिखे उसका बच्चों ऑर्डर क्या होता है? वन होता है। अगर आपको जिसके अंदर मैक्सिमम डी टू वाई बाई डी एक्स टू दिखे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, तो उसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? टू। तो अपना ये जो चैप्टर है ये इसके ऊपर है, इस पर बेस्ड है अपना चैप्टर जो है बच्चों, इस पर बेस्ड है। क्या कह रहा है? ऑर्डर कितना होना चाहिए बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है बच्चों। कौन सा ऑर्डर है ये? फर्स्ट ऑर्डर है बच्चों। एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया ना, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। प्रथम कोटि क्या बोला जाता है बच्चों? प्रथम कोटि बोला जाता है, प्रथम कोटि कहा जाता है इसे, प्रथम कोटि। हाँ बच्चों बात समझ। एक ही डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स ही दिखेगा बच्चों आपको सिर्फ पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बच्चों डीवाई बाई डी एक्स दिखेगा पूरे चैप्टर के अंदर आपको। डी टू वाई बाई डी एक्स टू नहीं दिखेगा, क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर दिखे गया उसका ऑर्डर टू है और चैप्टर का नेम है फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। और बच्चों डिग्री के बारे में अगर अपने बात करें, डिग्री के बारे में तो डिग्री क्या होता है बच्चों? सर जो मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है उसकी जो पावर होती है सर वो क्या होती है? डिग्री होती है, घात होती है। और इट मस्ट बी इंटीजर, पूर्णांक होनी चाहिए। यानी डी वाई बाई डी एक्स की बच्चों आपको पावर दिखेगी इसके अंदर, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की पावर दिखेगी। तो ये क्या होगी बच्चों? ये जितनी मर्जी हो सकती है अकॉर्डिंग टू चैप्टर। चैप्टर में क्या कहा गया है? हायर डिग्री, हायर डिग्री यानी उच्च घात, उच्च घात, उच्च घातों के लिए बच्चों अपने पढ़ेंगे। एन इक्वल वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर जितना मर्जी पावर हो सकती है, लेकिन फिर भी बच्चों वन टू थ्री तक ज्यादा सीमित रहेंगे, क्योंकि इससे बड़ी पावर अगर बनेगी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, सॉल्व भी तो करनी है चीजों को। तो बच्चों ये क्या है अपने पास? चैप्टर का नेम को मैंने आपको समझा दिया। चैप्टर का नेम एक बार फिर से देख लो। चैप्टर का नेम है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, प्रथम कोटि है उच्च घातों की अवकल समीकरण। इसको बच्चों शॉर्ट में एफ ओ एच डी बोला जाता है, एफ ओ एच डी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ हायर डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ हायर डिग्री बोला जाता है। आई बच्चों बात समझ कि? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई। आपने ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? जो भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में होगा बच्चों। आपको क्वेश्चन में एक्स दिखेगा, वाई दिखेगा और डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा। डी टू वाई बाई टू डी एक्स टू तो दिखने सर आप, तो यहाँ पे कुछ नोटेशन नए होंगे आपके लिए। जैसे वो डी वाई बाई डी एक्स को बच्चों पी लिखेगा, क्या लिखेगा? पी। डी वाई बाई डी एक्स को बच्चों क्या लिख देगा? पी लिख देगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको बहुत बार, या मैं ऐसा कहूँ कि काफी बार आपको सिर्फ पी ही दिखेगा। तो पी जो होगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स होगा। पी क्या होगा बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स। आई बच्चों बात समझ कि? हाँ जी सर, आगे बात समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों आपने समझा कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख देगा बच्चों? पी लिख देगा, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को क्या लिखेगा? सर इसको पी का स्क्वायर लिख देगा, इसको पी का स्क्वायर लिख देगा। और डी वाई बाई डी एक्स की होल क्यूब को क्या लिख देगा? सर ये ऐसे ही रिस्पेक्टिवली चलता जाएगा।
ऐसे ही रिस्पेक्टिवली सर चलता जाएगा। बच्चों ये कुछ नोटेशंस हैं, उनको थोड़ा ध्यान से। अब बच्चों अपने बात करते हैं कि अपने सोल्व कैसे करेंगे। बच्चों अपने डी बाई बाई डी इसको पी लेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर लीनियर हुई तो डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, लास्ट में पी की वैल्यू पुट करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे बच्चों ये है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बच्चों एक्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये सिंपल है, ये एक्स के पास डी एक्स चला जाएगा, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन की तो हेल्प लेंगे ही बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स को खत्म करने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे अपने, ठीक है। और पी के लिए सोल्वेबल बोला जाता है, इसको बोला जाएगा सोल्वेबल फोर पी, इसको बोला जाता है बच्चों सोल्वेबल फोर पी। क्यों? क्योंकि अपने डी वाई बाई डी एक्स को पी लेट करके बच्चों सोल्व कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, सोल्वेबल फोर पी, सोल्वेबल फोर पी। और पी क्या बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स, पी किसके इक्वल ले रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ये तीन डंडे लगाए हैं बच्चों, कई बार दो भी लगा सकते हैं तीन भी लगा सकते हैं, लेकिन तीन सही है। पी की जगह ले रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, पी और डी वाई बाई डी एक्स एक नहीं है, पी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी ले रहे हैं, तो वो इक्वलेंस का निशान होता है बच्चों एक तरीके से, ठीक है। आई बच्चों बात समझ? हाँ जी सर, आगे समझ। तो बच्चों ऐसे ही पी के साथ बच्चों अपने क्या कर लेंगे, गुणनखंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ऐसे बच्चों गुणनखंड बना लेंगे, समझो जितने पी की पावर होगी बच्चों उतने क्या बन जाएंगे, इसके गुणनखंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, ये गुणनखंड फैक्टर्स, ये जीरो के बराबर होंगे, ये जीरो के बराबर होंगे। फिर इनको अलग अलग बच्चों अपने सोल्व कर लेंगे, जैसे 10th क्लास में करते थे ना, इसका केस फर्स्ट बना के सोल्व कर लेंगे, इसका केस सेकंड बना के सोल्व कर लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी अपने आंसर आएंगे बच्चों उनको मल्टीप्लाई करके अपने लिख देंगे। सर ठीक है, ये तो बात हुई। एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों, एक्सरसाइज करवाता हूँ बच्चों, क्वेश्चन कराएंगे आपको, तो डायरेक्ट आपके जो भी डाउट है वो क्या हो जाएंगे बच्चों, दूर हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड ए एक्सरसाइज बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर वन देखो आप सभी, थर्ड ए का क्वेश्चन नंबर वन। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपको कह रहा है पी स्क्वायर माइनस 9 पी प्लस में 18 इक्वल में 0। अब कुछ बातें बच्चों मैं नई नहीं बताऊंगा आपको, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो, यहाँ पे पी क्या है बच्चों, पी किसके इक्वलेंस है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वलेंस है, ये बात याद रखना, ठीक है। कहीं आप सोचो कि पी कुछ और ही है, पी कुछ और नहीं है, पी डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो फैक्टर करो मल्टीप्लाई पे 18 9 और वैसे 9 9 क्वाड्रेटिक है ना, इसलिए कर लो 6 3 जाओगे बच्चों, तो दोनों माइनस के भी होंगे, सोल्व करते जाओ बस। पी माइनस 3, माइनस का 6 कॉमन ले लो, पी माइनस 3 इक्वल में आ गया 0। फिर बच्चों पी माइनस 3 दोनों में है, रिमेनिंग पी माइनस 6 इक्वल आ गया बच्चों 0। अब केस फर्स्ट, पी माइनस 3 इक्वल 0 आ गया बच्चों, ठीक है। तो यहां से पी इक्वल आ गया बच्चों 3, तो डी वाई बाई डी एक्स अब वैल्यू रख दो, इक्वल आ गया बच्चों 3 आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बच्चों आपके पास 3 आ गया, तो यहाँ से डी वाई इक्वल आ गया बच्चों ये 3 dx। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो। अब क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, आइए ये लो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो डी वाई का क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई का सर हो जाएगा वाई, और वी कॉन्स्टेंट है, डी एक्स का एक्स प्लस में सी वन। एक बार सीमा लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ी बात ध्यान से समझिएगा। दूसरा वाला, दूसरा फैक्टर लेके चलता हूँ बच्चों, पी माइनस 6, पी माइनस 6 इक्वल 0, पी इक्वल बच्चों 6 आया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया, डी वाई इक्वल आ गया बच्चों 6 dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, और दोनों तरफ बच्चों अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, डी वाई का वाई आ गया बच्चों 6, और डी एक्स का एक्स हो गया बच्चों प्लस में c2। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लास्ट में क्या करना होता है बच्चों, लास्ट में इनको एक तरफ लाओ, जैसे इसको ले आए वाई माइनस 3x माइनस c1, ठीक है, या इक्वल c1 लिखवाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू, इसको लिखो वाई माइनस 6x, वाई माइनस 6x इक्वल c2, ठीक है।
ये इक्वेशन थ्री है, ये इक्वेशन, चलो इसको मैं इक्वेशन वन दे देता हूँ ताकि ज्यादा इक्वेशन ना बने, ठीक है। इसको इक्वेशन बच्चों वन दे देते हैं, इसको इक्वेशन टू दे देते हैं। लास्ट में बच्चों अपने को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, अतः हल क्या होगा, वाई माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस सिक्स एक्स इक्वल में सी। अब आप कहोगे सर सी वन सी टू आ रहा था तो आपने सी क्यों लिखा। बच्चों अब कुछ बातें ध्यान से सुनो, जितनी डिग्री होती है ना इक्वेशन की, जितनी बच्चों सॉरी जितना ऑर्डर होता है ना इक्वेशन का, उसके अंदर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट भी उतने ही मानने पड़ते हैं। बच्चों जितना ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, तो उसमें जितने कॉन्स्टेंट हो गए ना, आप सी वन और सी टू बच्चों दो कॉन्स्टेंट नहीं है, इनकी कैलकुलेशन होकर ये एक कॉन्स्टेंट ही बना लेंगे। और फिर भी आप याद रखो ऑर्डर ऑफ जो होता है इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट भी बच्चों उतने ही होते हैं। आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट का मतलब स्वैच्छिक चर, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ये जो सी हो गया, बी हो गया, ए डी हो गया, मतलब ये स्वैच्छिक चर है, स्वैच्छिक चर है, ठीक है, स्वैच्छिक चर है, ठीक है, स्वैच्छिक चर है, सॉरी अचर, चर क्या अचर है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है बच्चों, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। भाई बच्चों बात समझ कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों अपने इंटीग्रेशन तो एक ही बार कर रहे हैं ना। अब आप कहोगे सर दो बार किया इंटीग्रेशन, इधर भी किया इधर भी किया, ये दो बार नहीं है बच्चों, dy बाय dx ही है दोनों के अंदर, दोनों में dy बाय dx है, यानी dy बाय dx को खत्म करने के लिए तो एक बार इंटीग्रेशन होगा ना, dy बाय dx को खत्म करने के लिए बच्चों एक बार इंटीग्रेशन होगा, इसलिए आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट भी क्या आएगा, एक ही आएगा। अगर ऑर्डर होता बच्चों दो, अगर ऑर्डर होता दो, जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता, जैसे बच्चों डी टू वाई बाई डी एक्स टू होता, तो अपने को इसका दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ता, उस केस में सी वन और सी टू आते, उस केस में कॉन्स्टेंट क्या आते बच्चों दो आते, सी वन और सी टू आते, समझे बात को। हाँ जी सर बात को समझ आई है। और बच्चों दूसरी बात ये कि आपके पास ये सोल्यूशन दो क्यों आए हैं, सोल्यूशन दो क्यों आए, एक तो इधर आया एक इधर आया, कि सर दो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी डी उसकी जो ऑर्डर था वो तो सर एक था, लेकिन उसका जो बच्चों डिग्री थी ना, डिग्री डिग्री बच्चों दो थी, डिग्री दो थी, डिग्री कितनी है दो, ऑर्डर कितना है एक, कोटी कितनी है बच्चों, कोटी है हमारे पास इसकी एक, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है फर्स्ट ऑर्डर, कोटी तो बच्चों एक रहेगी पूरे चैप्टर में, डिग्री यानी घात, घात कुछ भी हो सकती है क्योंकि चैप्टर ने खुद नहीं कहा है कि मैं क्या हूँ, हायर भी हो सकता हूँ, हायर हो सकता हूँ, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, एक ही डिग्री होती है बच्चों, जैसे यहाँ पर जब अपने इसके फैक्टर कर दिए तो ये सिंगल में चेंज हो गया, देखो यहाँ पे डिग्री एक ही है, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स की पावर यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर भी क्या है एक ही है, तो यहाँ पर आके ये एक एक हुआ है। तो जितनी बच्चों जितना ऑर्डर होगा, जितना ऑर्डर होगा उतने तो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट होगी, और जितनी डिग्री होगी, और जितनी क्या होगी बच्चों डिग्री, जितनी क्या होगी डिग्री होगी उतने क्या होंगे बच्चों उतने सॉल्यूशन हो, उतने क्या होंगे सॉल्यूशन, जितनी घात होगी उतने क्या होंगे बच्चों हल, घात की संख्या बराबर हलों की संख्या, हलों की संख्या जितनी घात होगी उतने क्या होंगे हल होंगे, जितनी डिग्री होगी बच्चों डिग्री ऑफ डी, डिग्री ऑफ डी जितनी होगी बच्चों सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतने ही होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे बच्चों उतने ही हो जाएंगे। इसको चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ सॉल्यूशन ताकि आपको पता चल जाए, ये बातें बच्चों याद रखना, ये आगे चैप्टर्स के अंदर अपने को काम आए, ठीक है, समझ गए बात को। हाँ जी सर अब समझ गए। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, ये देखें सिंपल था, एक बार सिंपल चल रहा है बच्चों सब कुछ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से कंसंट्रेशन बना लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, वाई माइनस वन प्लस पी स्क्वायर, वन प्लस पी स्क्वायर पावर है बच्चों माइनस हाफ इक्वल में क्या है जीरो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसे। हाँ जी इक्वल में बच्चों ए है, सॉरी जीरो नहीं है, इक्वल में बच्चों ए है,
तो सबसे पहले इस नेगेटिव को इधर लाओ और इसको इधर लाओ, तो बच्चों ये लिखा जाएगा 1 + p² की पावर -1 और y - a। ये तो समझ आ गया ना, a को इधर लाए हो और ये इधर आया है, लेकिन लिखा मैंने उधर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है? क्योंकि तो बच्चों सेकंड ईयर के बच्चे हो आप, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी हो आप, ऊपर से मैथमेटिक्स है, तो इतनी बातें तो समझ आती होगी कि इधर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब देखो आगे क्या करें। आगे बच्चों पहले तो ये जो पावर है इसको खत्म कर दो, इसको पहले ये बच्चों इसको अपॉन में लाते हैं, 1 + p² की पावर ये 1/2 होगी, इधर वाला पढ़ा रहने दो, एक बार चलने दो ऐसे। अब बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि ये रूट में है, ये रूट में है, हाफ पावर का मतलब है कि रूट में। फिर इधर लाओ इसको, हमें सारा का सारा p के इक्वल में लेके आना है ताकि p की वैल्यू dy/dx पुट करके सोल्व कर सके, तो पहले ये इधर आ जाएगा, तो 1/y - a इक्वल आ गया बच्चों ये ऐसे, ठीक है? रूट हटा के इधर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर लगेगा 1 + p²। अब रूट हटा के स्क्वायर लगवाया इसको बच्चों, वैसे आप ये लिखते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, समझे बात को? हाँ जी सर समझे। ये करते हैं फिर, सब कुछ p के इक्वल में लाना है बच्चों, देखते जाइएगा। अब ये 1 इधर लेके आओ, ये बन गया 1 y - a² - 1 = p². इधर एलसीएम ले लो मुझे, y - a² 1 - y - a² = p², पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर ये स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा देंगे। पहले एक बार मैं नहीं लगा रहा, पहले उधर सॉल्व हो रहा है तो होने दो, आओ p² को इधर लिख रहा हूँ, p² = y - a² 1 - आइडेंटिटी लगा दो y - a² a² b² कोई भी लगाए क्या? चलो रहने देते हैं, एक बार रहने दे, बाद में देखेंगे। स्क्वायर हटा के रूट लगा, ये बन गया 1 - y - a² फोन में y - a² बच्चों ये रूट से बाहर आ जाएंगे, ऊपर वाला तो रूट में रहेगा और नीचे वाला रूट से बाहर आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला तो बच्चों रूट में रहेगा क्योंकि 1 - में है ना इसके साथ, इसलिए नीचे वाला बच्चों स्क्वायर भी है रूट भी है तो रूट से बाहर आ रहा है। अब अपने पी की वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, देखिए देखते हैं क्या होता है, जिससे बच्चों हम पी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, dy/dx इक्वल में आ गया ये रूट में 1 - y - a² अपॉन में y - a। अब करते हैं बच्चों वाई वालों को dy के पास ले जाते हैं, तो dy के पास जाएगा ये y - a और अपॉन में आ गया बच्चों 1 - y - a² ठीक है? इधर आ गया बच्चों dx, dx को इधर ले। अब बच्चों हमें इसको सोल्व करना है, अब क्या करना है इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए बच्चों अपने बच्चों ऊपर तक ही एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहाँ पे टी पुट करना पड़ेगा बच्चों में, ठीक है? चलो तो यहीं से कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ से करना क्या अलग बात, फिर वो इसको बच्चों मैं टी पुट करता हूँ इसके रूट के अंदर वाले को, सारे को सारे 1 - y - a² = t, ठीक है? इसको टी पुट कर देते हैं, तो बच्चों ये 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y - a, ठीक है? 2y - a हो जाएगा ना, पावर आगे आगे पावर एक कम होगी, ठीक है? फिर y का dy = dt, ठीक है? ये माइनस बच्चों इधर भेज देते हैं, 2 भी नहीं है, 2 भी भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्या है y - a dy है, तो y - a dy की वैल्यू आई dt अपॉन में -2, क्या बच्चों dt अपॉन में -2, तो रिप्लेसमेंट दे दो सारा का सारा, ये बन गया 1/√t, ये सारा का सारा t माना था ना जो 1/√t और dt अपॉन में क्या है -2,
और ये dx एज इट इज पढ़ा रहे हैं। अरे 1/√t का बच्चों इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ कि सर ये t की पावर हाफ है, ये ऊपर जाएगा सर माइनस हाफ बनेगा, फिर इंटीग्रेशन का हम रूट लगा देंगे। इंटीग्रेशन का सर रूल होता है एक्स की पावर एन जो होती है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन है, प्लस में सी आ जाएगा सर, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है सिंगल है, एक ऑर्डर है इसलिए प्लस में सिर्फ सी लगेगा बच्चों आपको आता है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको कह दूं कि 1/√t का डायरेक्ट याद करो कि 2√t होता है तो कैसा लगा कि सर सही लगा, क्योंकि ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे ना सर ऊपर ले जाके तो 2√t ही बनेगा और dx का x बन जाएगा सर प्लस में सी आ जाएगा। दो से दो काट देते हैं सर जी, ये माइनस का रूट ही माइनस नीचे वाला ऊपर लिख देंगे, इक्वल का एक्स प्लस में सी। अब सर हम क्या करते हैं इस टी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो थी, टी की वैल्यू क्या थी बच्चों आ जाओ देख लेते हैं, टी की वैल्यू थी वन माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पुट कर दो बच्चों वन माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर लीजिए, ये बच्चों कंप्लीट हो गया सोल्व हो गया। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि सोल्व हुआ है या नहीं हुआ सोल्व, तो बच्चों इसके अंदर मेन गेम यही है कि डीवाई बाई डीएक्स खत्म हो गया ना, डीवाई बाई डीएक्स खत्म हो गया इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो चुकी है। आई बच्चों बात समझ, आई बच्चों बात समझ, हाँ जी सर आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर बुक के अंदर, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन है बच्चों में पी क्यू प्लस टू एक्स पी स्क्वायर, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देखिए, माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर पी इक्वल में आगे बच्चों जीरो, ये हमें इक्वेशन दी है। अब इसकी बच्चों ऑर्डर वन ही है, ऑर्डर वन है बच्चों, डिग्री थ्री है, ऑर्डर कितना है बच्चों कोटि एक ही है, कोटि तो एक ही है, लेकिन बच्चों जो घात है, घात है जो डिग्री है बच्चों वो कितनी है तीन है, ये देखो तीन डिग्री है ना, तीन मैक्सिमम थ्री है, तो बच्चों इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, इसके तीन फैक्टर बनाओ, तीन फैक्टर बनाओ, पहले दो में कुछ कॉमन आ रहा है सर, आ तो रहा है पी स्क्वायर पी प्लस टू एक्स बच गया, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है सर, आ तो रहा है वाई स्क्वायर भी आ रहा है और सर पी भी दिख ही रहा है, तो बच्चे चांस ले लेते हैं पी प्लस टू एक्स इक्वल में जीरो, अगर फैक्टर हो रहे हैं तो बच्चे इक्वेशन, ये एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन है देख लो, ये थोड़े बहुत हिंट होते हैं बाकी तो पता नहीं चलता, ये हिंट जो है ना इनको ध्यान में रखना पड़ता है तब जाके ये सोल्व होती है इक्वेशन, तो पी प्लस टू एक्स यहाँ से बच्चों पी कॉमन ले लो क्या बन गया पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अब इसको अलग अलग केस बना के सोल्व कर देंगे, इस पी को पहले आगे ही आगे लिख लो पी, फिर पी प्लस टू एक्स, फिर पी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। अब बच्चों केस बना लो, केस फर्स्ट पी इक्वल जीरो तो डीवाई बाय डी एक्स इक्वल जीरो, तो बच्चों इंटीग्रेशन कर दिया डीवाई बाय डी एक्स खत्म हो गया, y रह गया सिर्फ y इक्वल सी, सर dx को उधर लेके नहीं गए बच्चों, उधर लेके जाते तो भी यही आता y इक्वल सी वन। केस सेकंड p प्लस टू एक्स इक्वल जीरो लेके चलो बच्चों, तो ये हो जाएगा p की वैल्यू dy बाय dx, 2x को उधर ले जाओ माइनस का 2x, इधर dy को बढ़ा रहने दो माइनस के टू एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, कांस्टेंट बाहर रख दिया करो बच्चों इंटीग्रेशन, डी वाई का वाई माइनस टू एक्स का सर एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस सी टू हो जाएगा, ये कट गया ऊपर वाले का सी वन लिखा है क्या मैंने, सी लिखा है सी वन ही लिखा है बच्चों, याद रखना ऑर्डर वन है तो लास्ट में ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे सी ही बन जाएंगे, और केस थर्ड में पी माइनस वाई स्क्वायर को जीरो के बराबर रख देंगे, केस थर्ड बच्चों p माइनस वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, पी इक्वल वाई स्क्वायर, p की वैल्यू बच्चों dy बाय dx इक्वल वाई स्क्वायर, यहां से बच्चों dy बाय dx dy इधर पड़ा रहने दो और वाई स्क्वायर इसके अपॉन में ले आओ, dx को इधर ले जाओ, यहां लिख रहा हूं बच्चों
अपॉन में वाई स्क्वायर इक्वल डीएक्स, दोनों तरफ क्या कर दो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन इसका, 1 बाय वाई स्क्वायर का बच्चों याद रख लो -1 बाय वाई होता है, ठीक है, या तो याद रख लो या पूरा सोल्व कर लो, मर्जी आप, प्लस एक्स प्लस में C3, ये लो ये इक्वेशन नंबर 3, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते, क्या लिखेंगे वाई इक्वल -x² प्लस में C2, इक्वेशन नंबर 2, एंड इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते। बच्चों तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या रख लो एक तरफ रख लो, जैसे बच्चों फर्स्ट जो है मैं लिख देता हूँ एक बार, इक्वेशन 1 जो है वो ये है वाई इक्वल C1, इक्वेशन 2 जो है बच्चों वो है, आइए देख लेते हैं, वाई इक्वल -x² प्लस C2 है ना बच्चों, तो मैं कॉन्स्टेंट के बराबर रखूंगा सभी को, तो वाई प्लस X² इक्वल C2 ऐसे रख लिया करो, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लिया करो सर, ताकि आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, इक्वेशन 3rd को भी एक्स को इधर ले लो, एक्स को इधर लाओ, तो ये बन जाएगा -1 बाय वाई -x इक्वल C3, कि सर ये अजीब अजीब लग रही है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो सोल्व करते हैं तो ऐसे ही बनते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में ऐसे लिख दो सो सॉल्यूशन इज, आता है हल, सो सॉल्यूशन इज वाई वाई प्लस X² और ये -1 बाय वाई -x इक्वल C1 C2 C3, इसको कंबाइन करके क्या लिख दो बच्चों C ही लिख दो, ये लिख, ये आपका क्या है सॉल्यूशन है, और जब कंबाइन करके C लिखो तो इधर डिफाइन कर दिया करो, C1 C2 C3 इक्वल क्या बच्चों C है, वेयर बिकॉज C1 C2 C3 इक्वल C, तो आई होप सो बच्चों आपको ये समझ आ चुके हो, बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान चैप्टर है, क्या करना है P के लिए सोल्व करना है, P के लिए, P जहां दिखे पहले उसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो पहले फैक्टर गुणनखंड कर लो, सबसे पहले क्या करो बच्चों जहां पे पी दिखे उसके क्या कर लो फैक्टर कर लो, फैक्टर या गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद सभी को अलग अलग जीरो के बराबर रख के बच्चों क्या कर लो सोल्व कर लो, सभी को अलग अलग जीरो के बराबर रख के सोल्व कर लो, लास्ट में दो फैक्टर आए तो दोनों को मल्टीप्लाई रख के इक्वल में कॉन्स्टेंट रख लो, और आपको कुछ बातें बताई थी मैंने, कॉन्स्टेंट कितने होंगे, कॉन्स्टेंट उतनी होंगे जितनी ऑर्डर होगा, और सॉल्यूशन कितने होंगे जितनी डिग्री होगी, तो आई होप सो बच्चों आपको समझ आ चुका है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, शानदार लेक्चर के अंदर कुछ और क्वेश्चंस के साथ, आप खुद एक बार बच्चों निकाल लेना क्वेश्चंस को, एक बार खुद सॉल्व करके देखो सारे के सारे, कंसेप्ट मैंने बता दिया, तो नेक्स्ट वीडियो वही बच्चे देखें जो एक बार पहले सारे क्वेश्चन निकाल लो, आपसे जितने हो जाए पहले उतने कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देख लो, थैंक यू।